Hello friends, welcome you all, and today we are going to discuss about the most important topic in the CNS, and that is a general aspect of the reflex. So in the general aspect of the reflex, today we are going to discuss about the classification and properties of the reflexes, and in the next session we will discuss about the stretch reflex in detail. So this is what the reflex is. इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? दैट इज अ समथिंग इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी और समथिंग इज हैपन टू द बॉडी, देन बॉडी इज अ रिएक्टेड टू द दैट हैपनिंग. ओके, तो ये कुछ आया और कुछ हुआ, ये दोनों को मिला लो तो इट्स कम टू द रिफ्लेक्स. ओके, सो वी विल डिस्कस द और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द. सो दिस इज द कॉम्पिटेंसी अगेन 10.2. Describe and discuss the physiology of the reflexes. The question from the reflexes can be asked either in the written examination or in the viva voce examinations. And long questions as a properties of the reflex can be asked. And one more long question is asked from the stretch reflex itself, that we discuss in the next session. But jo aaj hum baat karenge, that is about the classification and properties of the reflexes. So again, this is the last topic from the general part of the CNS. Okay, उसके बाद we will start the sensory system, and उसके बाद motor system करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे about the integrated CNS, and lastly miscellaneous topic like the CSF, sleep, EEG, etc. Okay, now this topic again is integrated with the human anatomy. Okay. So basic definition of the reflex, or what do you mean by understand by the term reflex? हम लाइफ में भी बात कभी भी चीज़ें डे टू डे लाइफ में भी सोचते हैं कि रिफ्लेक्सली ऐसा हो गया, हमने ऐसा बोल दिया. ओके, सो एक्चुअली कोई आंसर ऐसे तो होता नहीं है. फर्स्ट इज अ क्वेश्चन, देन वी हैव टू आंसर. ओके, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द आंसर एंड क्वेश्चन बोथ. ओके, तो हियर दिस स्टिमुलस इज अ क्वेश्चन, दिस स्टिमुलस इज अ क्वेश्चन एंड द रिस्पॉन्स इज अ आंसर. ओके, कोई भी चीज़ आई बॉडी में, कुछ हुआ, बॉडी ने उसके सामने कुछ रिएक्शन दिया, दैट इज द रिस्पॉन्स. ओके, और ये दोनों को हम साथ में मिला लेते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कम टू द रिफ्लेक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अभी मानसून की सीजन है, आप एक्टिवा में जा रहे हो और सामने से, आपने हेलमेट तो पहना नहीं होगा, बट पहनना चाहिए आइडियली. ओके, तो जैसे कोई सामने से फ्लाइंग इंसेक्ट आएगा आपके आँख के सामने, तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ योर आईज? इज ऑटोमेटिकली क्लोज. ओके, फिर उस टाइम पे आप ऐसा नहीं सोचोगे मुझे बंद करना है, नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो ही जाएगी. ओके, सो ब्लिंकिंग ऑफ द आईज इन रिस्पॉन्स टू द फ्लाइंग इंसेक्ट. ओके, सो दैट इज द रिफ्लेक्स. तो ब्लिंकिंग ऑफ द आई, दैट इज अ रिफ्लेक्स. ओके, सो स्टिमुलस आया और उस जिस टाइप का स्टिमुलस है उसी हिसाब से आपने आपके बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया. ओके, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स. तो ये तो हो गई जनरल बात. अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ द बायोलॉजी, व्हाट इज द रिफ्लेक्स. सो इट इज द रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस. अगेन मोर वन इम्पोर्टेंट थिंग इन द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स, दैट इज अ इट इज़ अ इन्वॉलंट्री. आपने जो ब्लिंकिंग ऑफ द आइज की, या तो आपकी आइज जो ब्लिंक हुई, दैट इज इन्वॉलंट्री. ओके, सो रिफ्लेक्स इज अ इन्वॉलंट्री रिस्पॉन्स. सो वॉट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स? इट इज अ इन्वॉलंट्री रिस्पॉन्स toward the stimulus, that is called the reflex. So this involuntary response, it is the most important word in the definition of the reflex. Let's see the example. तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. For example, the odor of your favorite food. मुँह में पानी आ गया, that is the salivation. Okay? So here, this odor of the of your favorite food, that is a stimulus, and salivation is a response. Okay? So this combination is called the reflex mechanism. So basically the reflex is a mechanism. अब बहुत ही
नेस्टी ऑर्डर आ गया तो उसके रिस्पांस में नोजिया होगा. ब्राइट लाइट शाइनिंग इन योर आइज, पीपल्स गेट स्मॉलर इन डार्क. अगर अंधेरा है तो पीपल गेट डायलेट. ओके, सो पीपल गेट स्मॉलर, दैट इज कॉल्ड द मियोसिस. अगर पीपल डायलेट होती है तो उसको बोलते हैं हम माइट्रियासिस. एन इंसेक्ट फ्लाइंग टूवर्ड योर आइज, रिस्पॉन्स इज अ ब्लिंकिंग. तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल बाई विच यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स. सो आउटलाइन ऑफ दिस सेशन, फर्स्ट वील ट्राई टू डिस्कस द बेसिक इंट्रोडक्शन. ओके, एक चीज तो हमने मतलब डिस्कस कर ली, दैट इज द बेसिक व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिफ्लेक्स. ओके, और डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स इज ऑलरेडी कवर्ड. बेसिक इंट्रोडक्शन, देन वी डिस्कस द रिफ्लेक्स आर्क, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन रिफ्लेक्सेस. ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द स्ट्रेच रिफ्लेक्स. सो स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन. डेफिनेशन यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड एंड ऑलरेडी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स. सो रिफ्लेक्स इज अ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलस. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स. And it depend on the integrity of the reflex pathway. Because stimulus है, फिर body ने respond किया, तो ये सारी चीज़ें, stimulus किसने recognize किया, वो signal कहाँ गया, किसने process किया, कितने command भेजी, उसकी वजह से response आया, तो ये सारी चीज़ एक pathway में काम करेगी, मिल के काम करेगी, और ये जो सारी चीज़ें एक mechanism के through काम करेगी, that is a reflex pathway. ओके, और उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स आर्क. दैट वी विल डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, बिकॉज कोई भी चीज होगी तो एवरीथिंग इज हैपन्स बिकॉज ऑफ द रीजन. ओके, तो रिफ्लेक्स भी हो रहा है बॉडी में. ओके, तो रिफ्लेक्स इज अ मैकेनिज्म, तो ये जो मैकेनिज्म हो रही है उसका भी कुछ ना कुछ तो रोल होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा. तो फर्स्ट इज अ प्रोटेक्शन, बिकॉज द फ्लाइंग इंसेक्ट आपके सामने आँख के सामने आया और आँख में कुछ डैमेज ना करे, इसलिए आपकी बॉडी ने क्या किया, देर इज अ ब्लिंकिंग ऑफ द आइज. सो इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. सो रिफ्लेक्स हैविंग द वन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इट प्रोटेक्ट द अवर बॉडी. दूसरा है अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम. पोस्चर, दैट इज द पोजिशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्पेस. ओके, इट मे बी सीटिंग पोस्चर, मे बी स्टैंडिंग, मे बी सुपाइन, लाइंग डाउन, दीज आर द पोस्चर. ओके, एंड इक्विलिब्रियम इज अ, अगेन इट्स रिलेशन विद द पोस्चर, इट इज अ एंड पॉइंट ऑफ द पोस्चर. मतलब एक बार आपके पोस्चर इस्टेब्लिश हो जाए, दैट मीन्स यू आर इन द इक्विलिब्रियम और अवर बॉडी इन द इक्विलिब्रियम. सो मेंटेनेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज अ इक्विलिब्रियम. सो रेगुलेशन ऑफ द पोस्चर ऑन इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑल्सो because of the, it is possible because of the reflex mechanism. Because हम खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो in our standing or in the sitting posture, some muscle are contract, some muscle are the relax, okay, and maintain that particular posture. Okay, तो एक muscle जो contract हो रहा है या relax हो रहे हैं, ultimately this is the response. Okay, तो ये सारी reflex mechanism continuously चलती रहती है और उसके हिसाब से our body is able to maintain the proper posture and equilibrium. So whenever there is any damage in the nervous system, okay, the person is unable to maintain the his or her posture and ultimately loss his equilibrium. And ultimately by the reflex mechanism our homeostasis is maintained. For example, because of the baroreceptor mechanism our blood pressure is maintained. Okay, because of the our chemoreceptor respiratory system is respiration is maintained. Okay, so ultimately this all the reflex mechanism directly or indirectly play important role in the maintenance of the homeostasis. So this is the common significance of the reflex: protective mechanism, protection, regulations and maintenance of the homeostasis. Now coming to the what is reflex arc. Ye jo stimulus or response ke jo jugalbandi hai wo kaise hua, okay, that is through the proper channel, aur proper channel ko humne naam diya hai रिफ्लेक्स आर्क. सो बेसिकली इन द रिफ्लेक्स आर्क, लुक एट दिस, ये क्या हो सकता है, इट इज द स्किन.
ओके स्किन में क्या होगा, रिसेप्टर। ओके यहाँ से हम कुछ पिंच करेंगे या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आएगा वो, तो यहाँ पे स्टिमुलस देगा, दिस स्टिमुलस इज रिकॉग्नाइज बाय द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द स्किन। ओके यहाँ पे हमने स्किन का एग्जांपल लिया है, वो इन मतलब ऑन द स्किन, इनसाइड द स्किन भी हो सकता है, ओके डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्स। देन दिस स्टिमुलस इज रिकॉग्नाइज बाय द रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, इट विल स्टिम्युलेट द एडजस्ट नर्व फाइबर, ओके एंड सेंड द इन्फॉर्मेशन टू द मे बी इन द स्पाइनल कॉर्ड और मे बी इन द हायर मे बी टूवर्ड द ब्रेन ऑल्सो। ओके यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे कमांड भेजेगा। ओके सो अल्टीमेटली रीच टू द मसल, ओके और मसल विल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स डिपेंडिंग ऑन द स्टिम्युलस, डिपेंडिंग ऑन द स्टिम्युलस। ओके सो दिस इज वॉट रिफ्लेक्स। तो ये जो कंप्लीट पाथवे हुआ राइट फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ये जो फ्रॉम द पेरीफ्री टू सेंटर दैट इज द एफ्रंट, दिस इज द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफ्री उसको बोलेंगे हम इफ्रंट, एंड दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन, और इफेक्टर ऑर्गन जैसे रिएक्ट करेगा और जैसे उसका नेचर होगा उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, और जो रिएक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम रिस्पॉन्स। ओके सो बेसिकली देर आर फाइव कॉम्पोनेंट इन द रिफ्लेक्स आर्क, फर्स्ट इज अ रिसेप्टर, सेकेंड इज अ एफ्रंट, दिस वन ये जो येलो लाइन है ये वाली, दिस वन इज अ येलो लाइन, दिस इज द एफ्रंट, ये क्या हो सकता है ये याद करना, वॉट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज द सेंटर, हियर इट इज अ साइनेप्स, दिस एफ्रंट इज मेक द साइनेप्स विद द इफ्रंट। तो ये हो गया, ये जो ऑरेंज लाइन है दैट इज अ इफ्रंट, एंड बेस ऑन द इफेक्टर ऑर्गन वो कैसे रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा, सो दैट इज अ रिस्पॉन्स। सो बेसिकली इन द एनी रिफ्लेक्स आर्क और एनी रिफ्लेक्स दीज आर द फाइव स्टैंडर्ड कॉम्पोनेंट, रिसेप्टर, एफ्रंट, सेंटर, इफ्रंट एंड रिस्पॉन्स। ओके सो द बेसिक यूनिट ऑफ द इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्स एक्टिविटी, सो रिफ्लेक्स आर्क इज नथिंग बट इट इज द बेसिक यूनिट फॉर द इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो रिफ्लेक्स कैसे काम करेगा नहीं करेगा, दिट विल डिपेंड ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। तो मान लो कि कुछ रिसेप्टर में प्रॉब्लम हुआ तो भी अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर रिफ्लेक्स, एफ्रंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, सेंटर में हुआ, इफ्रंट या रिस्पॉन्स या सब में हुआ, अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द रिफ्लेक्स। सो एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द CNS एग्जामिनेशन एंड टू असेस द फंक्शन ऑफ द CNS। ओके सो रिफ्लेक्स इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट नॉट ओनली इन द थियोरी बट ऑल्सो इन द प्रैक्टिकल एज वेल एज इन द क्लिनिकल मेडिसिन। ओके सो बाय डूइंग दिस एग्जामिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस वी कैन डायग्नोज द सेवरल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन इन द बॉडी। सो लुक एट दिस, दिस इज द रिसेप्टर, एफ्रंट न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड इज अ सेंटर, फ्रॉम हियर इज अ इफ्रंट एंड इट इज अ मसल। तो रिसेप्टर, एफ्रंट, सेंटर, इफ्रंट एंड रिस्पॉन्स, सो इट इज अ कंप्लीट द पाथवे एंड दिस फॉर्म द दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। ये सारी चीज़ों को हम बोलेंगे, ये जो फाइव कॉम्पोनेंट हैं उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स आर्क। ओके सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिफ्लेक्स और एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, देर इज अ प्रॉपर रिफ्लेक्स आर्क, सारी चीज़ें उस सही होनी चाहिए। ओके नाउ ये जो सेंटर है इस मे बी इन द स्पाइनल कॉर्ड और मे बी इन द ब्रेन, यह दोनों में हो सकते हैं। ओके सो जैसे ही स्टिम्युलस आएगा इट विल रिकॉग्नाइज बाय द रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर उसको बोलेंगे हम रिसेप्टर, इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंस ऑर्गन बिकॉज सेंसिंग द स्टिम्युलस। ओके जितना भी जैसा भी स्टिम्युलस आया होगा इस हिसाब से रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा। ओके और रिसेप्टर विल डेवलप द रिसेप्टर पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड द जनरेटर पोटेंशियल ऑल्सो। वंस द जनरेटर पोटेंशियल और रिसेप्टर पोटेंशियल रीच टू द थ्रेशोल्ड इट विल डेवलप द एक्शन पोटेंशियल इन द एडजस्ट नर्व फाइबर।
okay, and that is in the afferent. Once the action potential is developed, it is always propagated because the important properties of the action potential is reached to the center. Center में सारी process होगी, कैसा stimulus है, क्या है, किसको command देना है, ये सारी process यहाँ पे होगी. Okay, and that is a center. Okay, तो again in the center, बिकॉज हमको सिग्नल आगे भेजना है, सो ऑलवेज इन द साइनेप्स कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज अ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. अगर हमको सिग्नल इनिबिट करना होगा तो इट विल डेवलप द IPSP, दैट इज अ इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. ओके, जैसे स्टिम्युलेट होगा इट विल अगेन डेवलप द, वंस दिस EPSP इज रीच टू द थ्रेशोल्ड, इट विल स्टिम्युलेट द इफ्रंट नर्व फाइबर. And action potential is generated in the efferent, and this once the action potential is generated, it is always propagated. Once this propagated, it reaches to the muscle, neuromuscular junction, transmission across the neuromuscular junction. So muscle में सबसे पहला क्या होगा? It will produce a local potential, that is called the end plate potential. So this end plate potential, this generator potential, receptor potential, these all are the example, or EPSP. These all are the example of the local potential. Action potential is always action potential. And once the end plate potential is reached to the threshold, it will develop the action potential in the said muscle. Okay. And once the action potential is generated in the muscle, muscle will contract. Okay. Or muscle contract होगा तो क्या होगा? Limb की movement होगी. Okay. And limb की movement होगी, that is a response. Okay. So right from the recognition of the stimulus. Okay. So response आएगा. So it is a involuntary response toward the or to the stimulus, that is called the, ये जो सारी चीज़ें हुई उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स. ओके, और ये जो सारा जो हमको सारा पाथवे दिख रहा है ऑन द स्क्रीन, ओके, दिस इज द ऑल आर द कॉम्पोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स. अगले कुछ स्लाइड में हम करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस. नाउ द रिफ्लेक्स इज अ क्लासिफाइड इन द सेवरल वे बेसिस ऑन द डेवलपमेंट. देर आर टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्स, इनेट एंड एक्वायर्ड. इनेट दैट इज सिंस बर्थ और मे बी इवन बिफोर द बर्थ, और जीनेटिकली डिटर्मिनेंट. एक्वायर्ड इज अ लर्न, मतलब आफ्टर बर्थ आपने कुछ सीख के कुछ रिफ्लेक्स डेवलप किया है तो दैट इज एक्वायर्ड. अगर बाय बर्थ है आपने ऑटोमेटिकली है, फॉर एग्जांपल सकिंग ऑफ द निपल ऑफ द मदर बाय द इन्फेंट और नियोनेट. ओके, सो दैट इज इनेट रिफ्लेक्स. बट आपको साइकिल चलाना सीखना है, कार ड्राइव करना सीखना है, दैट इज ऑल आर द एक्वायर्ड रिफ्लेक्स. सो बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट देर आर टू टाइप्स, इनेट एंड एक्वायर्ड. बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग, मतलब जो सेंटर है इन द रिफ्लेक्स आर्क उसमें सारी प्रोसेस होगी. ओके, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? बेस्ड ऑन दिस, इस मे बी इन द स्पाइनल कॉर्ड और मे बी इन द ब्रेन. अगर स्पाइनल कॉर्ड में ये जो सारी प्रोसेस होगी तो उसको बोलेंगे हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, एंड इफ द प्रोसेस अकर इन द ब्रेन तो उसको बोलेंगे हम क्रैनियल रिफ्लेक्सेस. नाउ बेसिस ऑन द रिस्पॉन्स, इस मे बी सोमेटिक और विसरल. विसरल इज मोस्टली कंसर्न विद द रिस्पॉन्स इन द स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ऑल्सो इन द ग्लैंड्स. Somatic reflex is a response in the skeletal muscle. So somatic reflex is pertaining to the skeletal muscle. Visceral reflex is pertaining to the response in the smooth and cardiac muscle and also in the glands. Okay. फिर smooth muscle में फिर intestine भी आ गया, blood vessels, urinary bladder, uterus, everything will be covered under the smooth muscle. Okay. Based on the complexity of the circuit, it may be monosynaptic or polysynaptic. अगर single synapse है pathway में in reflex arc, only the single synapse is there, तो उस पाथवे को हम बोलेंगे मोनोसाइनेप्टिक. अगर ज़्यादा है, मोर देन टू, तो उसको बोलेंगे हम पॉलीसाइनेप्टिक. अगर कुछ भी नहीं है, एक भी साइनेप्स नहीं है, तो भी रिफ्लेक्स डेवलप हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म हो रहा है, बिकॉज एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर. इट नॉट नेसेसरी कि इन द रिफ्लेक्स देर इज ऑलवेज साइनेप्स इज देयर. यस, इन द मोस्ट ऑफ द, इन द 99.99% द साइनेप्स इज देयर. बट देर इज़ वन एग्जाम्पल इन द बॉडी इन विच एक रिफ्लेक्स है जिसमें एक भी साइनेप्स नहीं है. ओके, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिकली इन द कॉम्प्लेक्सिटी देर आर टू टाइप्स, आप अभी दो ही चीज़ें याद रखो, मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक. और भी कई सारे वे हैं,
by which we can classify the reflex, that we will now discuss in the subsequent slide. But these are the basic classification by the development, by the processing side, by the complexity of the circuit, that is pathway, and by the response. So first of the classification, that is by the development. So kaun sa tha? Innate or acquired. Innate matlab result from the connection that from between the neurons during the development. For example, food aya to salivation hona hi hai, that is humne kisi ne sikhaya nahi, it is the inborn reflex. Okay, so these are the example of the innate reflex. Acquired, it is a learned and typically more complex motor pattern. For example, एक आपका एक वन रशियन साइंटिस्ट, नेम इज इवान पावलोव, एंड ही हैज डन वन एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग. आपको कहीं स्टोरी सुनी होगी. फॉर एग्जांपल, फूड देंगे तो सलाइवेशन होगा, दैट इज अ नेचुरल वन. ओके, सो दैट इज अ इनेट रिफ्लेक्स. फिर उसके साथ उन्होंने फिर क्या किया, उसी डॉग में उन्होंने एक कंडीशनिंग करने की ट्राई की. किसने? इवान पावलोव ने. फिर उसने क्या किया, बेल और फूड का एक कॉम्बिनेशन बनाया. पहले तो फूड दिया तो सलाइवेशन होना था, दैट इज अ नेचुरल वन. उसके बाद उसने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि पहले वो बेल बजाता था, उसके बाद फूड देता था, और फूड दिया तो सलाइवेशन तो होगा. ये काफ़ी दिन चलता रहा. दिस इज बाय द रिपीटेड सो मेनी टाइम्स. ओके, ऑन वन डे ही रेंग ओनली द बेल, और ओनली बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल salivation is produced. Okay, so here this reflex is, अभी आप ऐसे बेल बजा दो तो किसी का salivation नहीं होगा, but yes, अगर किसी का conditioning इस तरह से किया गया है तो over a period of time in response to the bell salivation will occur. Okay, so this is a learned reflex. Okay, so this is example of the learned or acquired reflex. So this is based on the development. There are two types, innate and acquired. Now the second way of the classification of the reflex, somatic, that is the by the external stimulus, reason in the response of the skeletal muscle. Dusra tha hamare paas autonomic, that is also called the visceral, that is by the response in the cardiac muscle or smooth muscle or in the gland. Third way of the classification, based on the complexity of the pathway, that is based on the number of the synapse present in the pathway. अगर एक भी नहीं है तो एसाइनेप्टिक, एग्जाम्पल इज एक्सॉन रिफ्लेक्स, कहाँ पे था, इन द ट्रिपल रिस्पॉन्स, रेड फ्लेयर और विल, जो ट्रिपल रिस्पॉन्स आ रहा था ना, उसमें से एक में था एक्सॉन रिफ्लेक्स. सो इन एक्सॉन रिफ्लेक्स देर इज नो एनी साइनेप्स इज अ प्रेजेंट. ओके, तो बॉडी में कौन सा ऐसा रिफ्लेक्स है जिसमें एक भी साइनेप्स नहीं है, आंसर इज अ एक्सॉन रिफ्लेक्स. देन मोनोसाइनेप्टिक, तो ऑल द स्ट्रेच रिफ्लेक्स आर द मोनोसाइनेप्टिक, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स इंडिविजुअली करेंगे इन द मोर डिटेल, बिकॉज इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. डायसाइनेप्टिक, डायमेंट्स टू, इन द एनी रिफ्लेक्स पाथवे देर आर टू साइनेप्स, तो उसको बोलेंगे हम डायसाइनेप्टिक, एंड एग्जाम्पल आर द इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स. सो ये जो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, दैट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स. ओके, बोथ वी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. And third and last one, fourth one is a polysynaptic. An example is the withdrawal reflex. For example, हम कुछ रास्ते में जा रहे हैं, अगर कांटा पैर में चुभ गया, ओके, तो इस हिसाब से पूरा बॉडी रिएक्ट करेगा, फ्लेक्शन ऑफ द लिम्ब होगा, बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगी, वी विड्रो द लिम्स. ओके, सो मैनी रिस्पॉन्स एट अ सेम टाइम, सो इट इज़ अ पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे. मल्टीपल पाथवे आर इन्वॉल्व इन दिस रिफ्लेक्स, एंड दैट इज अ विड्रोअल रिफ्लेक्स. Fourth of the classification, that is the clinical classification, and this is the most commonly followed classification in the clinical examination of the reflex in the clinical medicine to diagnose or to assess the function of the central nervous system or nervous system by the examining the reflex. So basically this clinical classification is based on the location of this receptor, because again receptor is a part of the reflex. ओके, तो उस रिफ्लेक्स का
रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड है, इस हिसाब से दिस क्लासिफिकेशन इज अ डिराइव. सो इफ द रिसेप्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन तो उसको बोलेंगे हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्स. इफ द रिसेप्टर्स आर द प्रेजेंट ऑन द मसल एंड जॉइंट, मसल जॉइंट और ऑन द टेंडन तो उसको बोलेंगे हम डीप रिफ्लेक्सेस. एंड इफ द रिसेप्टर्स आर द प्रेजेंट ऑन द विसरा दैट इज इन द इंटरनल ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल ऑन द लीवर और इन द हार्ट ओके और इन द ब्लड वेसल तो उसको बोलेंगे हम विसरल रिफ्लेक्सेस. ओके विसरल रिफ्लेक्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑटोनोमिक बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ इनवॉलेंट्री. द लास्ट वन इज अ पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस, मतलब नॉर्मल जैसे रिस्पॉन्स आना चाहिए उसके ऑपोजिट रिस्पॉन्स आएगा और मे बी रिस्पॉन्स नहीं आएगा या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा तो दैट इज कॉल्ड द पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सिस दैट इज अ एबनॉर्मल रिफ्लेक्सिस. ओके सो जनरली दिस क्लासिफिकेशन इज फॉलोड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिस इन द क्लिनिकल मेडिसिन. सो दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बिकॉज हम रिफ्लेक्स का जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें जो हम रिफ्लेक्स का एग्जामिनेशन करेंगे राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. ओके सो इन दैट एग्जामिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिस वी फॉलो द दिस क्लास सेम क्लासिफिकेशन सो दैट यू टू रिमेंबर फॉर बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल. नाउ इन द बोथ superficial reflex that means receptor is located in the skin or mucous membrane. Now again in the superficial reflex there are two parts based on the center, matlab us reflex ka center agar brain mein hai to usko bolenge hum superficial cranial. Agar uska receptor is a superficial but uska center hai spinal mein to usko bolenge hum superficial spinal reflex. तो ऐसा डिवीजन दो में आएगा सुपरफिशियल एंड डीप में क्रेनियल एंड स्पाइनल. ओके तो सुपरफिशियल क्रेनियल सुपरफिशियल स्पाइनल डीप क्रेनियल एंड डीप स्पाइनल. ओके दीज आर द एग्जांपल्स क्रेनियल में सुपरफिशियल क्रेनियल में कौन सा तो क्या कॉर्नियल रिफ्लेक्स कंजक्टिवल रिफ्लेक्स सीरियो स्पाइनल रिफ्लेक्स. ओके ये सारे रिफ्लेक्स में क्या है और कैसे होता है यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पुट इट द सेम वर्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स इन द यूट्यूब you will get the live demonstration on the corneal reflex, conjunctival reflex or we will discuss later on once the theory is over jab hum practical karenge whether it physically or online. Okay us time hum dekhenge but meanwhile you just log in on to the your YouTube and just enter the word corneal reflex so you will get the idea what is the corneal reflex is. Okay basically corneal reflex mein cornea mein hum touch karenge to the response is the blinking of the eye. कंजक्टिवल रिफ्लेक्स में कंजक्टिवा में टच करेंगे तो ब्लिंकिंग ऑफ द आईज सो दैट इज अ कंजक्टिवल रिफ्लेक्स. स्पाइनल सुपरफिशियल में प्लांटर रिफ्लेक्स प्लांटर सरफेस में हम स्क्रैच करेंगे तो ग्रेट टो एंड फिंगर्स और अदर टो की मूवमेंट होगी. ओके सो उसको बोलेंगे हम प्लांटर रिफ्लेक्स. एब्डोमेन में हम कुछ स्क्रैच करेंगे तो एब्डोमिनल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट तो दैट इज एब्डोमिनल रिफ्लेक्स. But these all are the example of the superficial. These are the superficial cranial and this is the superficial spinal. Dusra aega in the clinical classification that is a deep reflexes. So in the deep reflexes again deep reflexes cranial. Example is a jaw jerk. आपके ओपन माउथ होगा और उसमें हम स्टिमुलस देंगे तो देर इज क्लोजिंग ऑफ द माउथ दैट इज अ जो जर्क बट वो सडन होगा इसलिए हमको उसको बोलेंगे हम जर्क इंस्टेड ऑफ द रिफ्लेक्स. अदरवाइज यू कैन यूज द टर्म रिफ्लेक्स ऑल्सो बट द बेटर इज अ जर्क बिकॉज द रिस्पॉन्स इज अ सडन. द सेकेंड इज अ स्पाइनल डीप रिफ्लेक्सिस. ओके सो डीप रिफ्लेक्स इज स्पाइनल डीप रिफ्लेक्स इज क्रेनियल सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द deep reflexes. All the deep reflexes are the example of the stretch reflex. Okay to ye sari cheeze hum again karenge in the next session that is in the stretch reflex biceps reflex triceps supinator knee and ankle.
बट किसी में हमने जर्क दिया है, बिकॉज जर्क मीन्स अ सडन और ऑब्वियस रिस्पॉन्स इज द सीन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द जर्क. तीसरा था अबाना विसरल रिफ्लेक्सेस, तो उसमें लाइट रिफ्लेक्स, सो देर इज अ म्यूसिस इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन होगा दैट इज इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, सो दैट इज अ लाइट रिफ्लेक्स. ओक्यूलोकार्डियक एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द विसरल रिफ्लेक्सेस. बैरोरिसेप्टर इज ऑल्सो, देर आर मैनी, हियर आर द एन्यूमरेटेड फ्यूअर वंस और कॉमन वन, कीमोरिसेप्टर, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द विसरल रिफ्लेक्सेस. पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस, क्लोनस एंकल एंड पटेला, क्लोनस देर इज अ रिपीटेड मूवमेंट ऑफ द एंकल एंड पटेला इन रिस्पॉन्स टू द सिंगल स्टिमुलस. बाबिंस्की साइन पॉजिटिव, जो प्लांटर में जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आता है उसके अगेंस्ट में अगर एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आता है तो इट इज द एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स, उसको बोलेंगे हम बाबिंस्की साइन पॉजिटिव. मास रिफ्लेक्स इट इज अगेन इज द पैथोलॉजिकल टर्म दैट इज सीन इन द ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजेक्शन, अगर स्पाइनल कॉर्ड कट हुआ है कंप्लीटली या हाफ, ओके, या इनकम्प्लीट, ओके, तो उसका जब रिकवरी होगा, इन दैट रिकवरी वन रिफ्लेक्स देर इज अ जनरल रिफ्लेक्स इज अ प्रोड्यूस, ओके, उसमें यूरिनेशन भी होगा, ब्लड प्रेशर में भी चेंज होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी एक साथ में इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ओके. सो दिस टाइप ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड द मास रिफ्लेक्स, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ दिस ऑल आर द पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेज, मतलब नॉर्मली कभी प्रेजेंट नहीं होगा इन द लिविंग बॉडी, ओके, दिस ऑल आर द प्रेजेंट ओनली इन द सम डिसीज कंडीशन. पेंडुलर मूवमेंट दैट इज अ मूवमेंट ऑफ द लिम्ब लाइक द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक. वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्स इज एनाटोमिकल क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द सेंटर, ओके. बेसिकली हमने दो किए थे ना, क्रेनियल एंड स्पाइनल, ओके, बट उसको भी थोड़ा बिकॉज ब्रेन में भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी है, मिड ब्रेन भी है, पॉन्स मेड्युला, तो किसी का सेंटर पॉन्स में है, किसी का सेंटर मेड्युला में है, ओके, तो उस हिसाब से हमने अलग अलग क्लासेस मतलब टाइप्स दिए हैं रिफ्लेक्स के. सो बेस्ड दैट इज कॉल्ड द एनाटोमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेंटर. सो इट इज अ कॉर्टिकल रिफ्लेक्स, मतलब सेंटर इज अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेबेलर आई मीन द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स इज इन द सेरेबेलम. मिड ब्रेन सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स इन द मिड ब्रेन. बल्बर और मेड्यूलरी दैट इज इन द मेड्यूला और मे बी इन द स्पाइनल. वन मोर इज अ फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स जनरली कैसा आएगा, वेदर इज अ रिस्पॉन्स इज अ फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, दिस इज पर्टिकुलरली मोर और लेस इज अ एप्लीकेबल टू ओनली टू द स्केलेटल मसल. सो रिस्पॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल आइदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ओके. सो बेज ऑन दिस दिस क्लासिफिकेशन इज अ डिराइव. सो फ्लेक्सर रिस्पॉन्स, सो जनरली नोसिसेप्टिव, मतलब ऐसा स्टिमुलस के जो पेन प्रोड्यूस करता होगा, सो दैट इज कॉल्ड द नोसिसेप्टिव और नोक्सिस स्टिमुलस, ओके. एग्जाम्पल इज अ विड्रोवल रिफ्लेक्स, सो विड्रोवल रिफ्लेक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ द फ्लेक्सर रिस्पॉन्स. अगेन रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ द वो कांटा चुभा पैर में, तो आपने लिम वहाँ से विड्रॉ कर दिया, ओके. सो विथ दिस विड्रोवल ऑफ द लिम्ब इज कॉल्ड द फ्लेक्सर रिस्पॉन्स और फ्लेक्शन ऑफ द लिम्ब. नाउ द नेक्स्ट इज अ extensor, okay. So all the stretch reflex are the extensor reflex that we'll discuss next in the next session, and these are the basis of the muscle tone and posture of the body. So the main function of the stretch reflex is to maintain of the tone and posture. So hamara jo posture ya equilibrium jo bhi maintain ho raha hai, that is because this is the product of the, because there is a continuous operation is going on in our body of the by the stretch reflex. And this stretch reflex is a highly developed in the anti-gravity group of the muscle. Okay, so ये सारी चीज़ें हम करेंगे in the next session. So next session is a purely depend purely for the this a stretch reflex.
So now we discuss the general properties of the reflex. Now if you remember that the reflex arc, तो in reflex arc में कौन से component थे? Receptor, afferent, center, efferent and response. Okay? तो उसमें receptor भी आ गया, okay? Center में वो synapse भी आ गए, okay? तो जब भी हम properties करेंगे of the reflex, okay? तो बहुत सारी properties receptor और synapse से मिली जुली या तो overlapping होगी. So in examination that you to remember, okay? So you to mention the general properties of the reflex, that is a particularly for the that particular reflex. Okay, so more or less the properties of the from the previous topic, that is from the receptor and synapse. Okay, usme se bhi kaun bahut sari properties yahan pe overlap hogi. So first one is the adequate stimulus, that is already there in the receptor also. मतलब कोई भी रिसेप्टर होगा, दैट इज अ प्रिसाइज फॉर द पर्टिकुलर स्टिमुलस. कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस आएगा, वही स्टिमुलस पर्टिकुलर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और वही फिर रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो वो पर्टिकुलर रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स आएगा. सो दिस स्टिमुलस इज कॉल्ड द एडिक्वेट स्टिमुलस फॉर दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्स. सेकेंड इज अ डिले. आपने यू जस्ट अप्लाइड द स्टिमुलस और उसी टाइम पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, तो वो जो थोड़ा टाइम लगेगा दैट इज बिकॉज ऑफ द साइनेप्टिक डिले, जो हमने डिस्कस किया था इन द साइनेप्टिक डिले. तो ऑब्वियसली इन द मोनोसाइनेप्टिक पाथवे इट विल टेक लेस टाइम फॉर द रिस्पॉन्स, इन पॉलीसाइनेप्टिक इट विल टेक द लॉन्गर टाइम. तो दैट इज अ डिले. सो टाइम इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड स्टार्टिंग ऑफ द रिस्पॉन्स. Then third is a one-way conduction. Conduction is always in the one-way one direction. Okay, वो हमने साइनेप्स में भी किया था, बट यहाँ पे थोड़ा और भी दोनों चीज़ें साथ में होगी, बिकॉज एफ्रंट भी है और इफ्रंट भी है, और दोनों को चीज़ों को हमने कंबाइन किया है इन द रिफ्लेक्स. तो रिफ्लेक्स इज अ इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन द रिसेप्टर और साइनेप्स. वैसे तो CNS itself is a more complicated, because there are so many things are overlapping, integrated, okay, and that's why understanding the CNS is very very difficult. But once we complete all the topics, okay, and thoroughly studied, okay, then it is a very easy to learn or understand the CNS physiology. So by end of all the topics, okay, I can take the guarantee that my all the students will able to learn the CNS physiology. So that is a one way conduction only in the one direction through the reflex arc as per the Bell-Magenly law. Now just remember that example of the spinal cord. To usme maine wo bola tha ki ye kaun sa structure tha, to that is a dorsal root ganglia, that is a DRG tha, dorsal root ganglia, that is near to the spinal cord. Okay, to usme dorsal root tha, वेंट्रल रूट था. तो जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी और वो जो इंफॉर्मेशन एंटर होगी इन द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज ऑलवेज सेंसरी और यू कैन से एफरेंट. ओके, सो सेंसरी इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एंटर थ्रू द डोर्सल रूट, और जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट होगी दैट इज थ्रू द वेंट्रल रूट ओनली. ओके, तो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी थ्रू द डोर्सल रूट, सारी मोटर इंफॉर्मेशन एग्जिट होगी फ्रॉम द वेंट्रल रूट. Okay, so dorsal root is always sensory, ventral root is always motor, DSVM, D for dorsal root, S for sensory, V for ventral root, M for motor, DSVM, and this law is called the Bell-Magenly law. In CNS physiology, बहुत सारे laws आएंगे, तो आपको सारे याद रखने हैं. रिसेप्टर में भी बहुत सारे चार पांच लो थे, वो भी आपको याद रखने हैं. यहाँ पे भी याद रखना है Bell-Magenly लो, और आगे भी आएंगे वो भी आपको याद रखने हैं. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज अ वन वे कंडक्शन. नाउ कमिंग टू द समेशन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस ऑन द साइनेप्स. देयर इज अ टेम्पोरल एंड स्पेशल. टेम्पोर इज इन रिलेशन टू द टाइम, स्पेशल इज रिलेशन विद द स्पेस. ई रेडिएशन, that is already discussed previously.
बट यहाँ पे थोड़ा नाम और टर्मिनोलॉजी अलग है. सो व्हेन द सेंसरी स्टिमुलस इज अ टू स्ट्रॉन्ग इम्पल्स स्प्रेड टू द मेनी नेबरिंग न्यूरॉन्स देयर इज अ डायवर्जेंस. कन्वर्जन और डायवर्जेंस हमने जो किया था ना इन द साइनेप्स, सो दिस इज द डायवर्जेंस. और उसको बोलेंगे हम ई रेडिएशन हियर इन द रिफ्लेक्स. ओके, सो रिस्पॉन्स इज अ गेट वाइडर. ओके, सो बाय द ई रेडिएशन वी गेट द वाइडर रिस्पॉन्स ऑफ द रिफ्लेक्स. फाइनल कॉमन पाथवे दैट इज अ फाइनल मोटर पाथवे दैट इज अल्फा मोटर न्यूरोन एंड दैट सप्लाई द स्केलेटल मसल. ओके, उसमें जो एक्स्ट्राफ्यूजल इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर आते हैं. ओके, सो दिस एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर इज सप्लाइड बाय द अल्फा मोटर न्यूरोन. और वही चीज़ एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं फाइबर, दीज आर द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स. और इसके हिसाब से फिर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होगा. ओके, सो दैट इज अ फाइनल कॉमन पाथवे. देन फैसिलिटेशन, सो रिस्पॉन्स बिकम द प्रोग्रेसिवली हायर एंड हायर फॉर द फर्स्ट फ्यू ओकेजन्स बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द वन स्टिमुलस इज गेट द बेनिफिट ऑफ द अदर नेक्स्ट वन. ओके, तो ये जब होगा व्हेन वी अप्लाई द मल्टीपल स्टिमुलस विद इन द इन द सक्सेसिव पीरियड. सो फॉर फर्स्ट फ्यू स्टिमुलस यू विल गेट द रिस्पॉन्स हायर एंड हायर. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट. सेम थिंग हमने डिस्कस किया था इन द साइनेप्स ऑल्सो. देन इनिबिशंस, बिकॉज सी when the protagonist muscle is inhibit the action of the antagonist muscle, because that is called the this type of the inhibition is called the reciprocal inhibition. मतलब एक inhibit हो रहा है दूसरा excite हो रहा है. because for example जब हम कोई भी muscle की या limb की movement करते हैं flexion या extension of the knee or elbow, okay, तो obviously agonist जो muscle होंगे उसका contraction होगा मतलब stimulation होगा. at the same time antagonist muscle का inhibition होगा. तो दोनों चीज़ें साथ में होगी at the same time. वन इज एक्साइट वन इज अ इनिबिट. तो दिस टाइप ऑफ द इनिबिशन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इनिबिशन टू अचीव द डिजायर्ड एक्शन इन द पर्टिकुलर लिम्ब. आफ्टर डिस्चार्ज दैट ऑलरेडी डिस्कस इन द साइनेप्स. सो द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और कॉन्ट्रेक्शन में कंटिन्यू फॉर द सम टाइम इवन आफ्टर द सजेशन ऑफ द स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल दिया था अबाउट द हंसना है. तो हम हंसते जाते हैं तो वो स्टिमुलस तो एक ही बार आया, फिर भी आप हंसते जा रहे हो. दैट इज अ एग्जांपल ऑफ द आफ्टर डिस्चार्ज इन डे टू डे लाइफ. देन फटीग और हैबिचुएशन, वो भी हम डिस्कस किया था इन द साइनेप्स. सो रिस्पॉन्स इज अ रिड्यूस प्रोग्रेसिवली, तो उसको बोलेंगे हम फटीग या हैबिचुएशंस. ओके, एंड व्हाट इज द साइट ऑफ द फटीग इन वाइवो, दैट इज अ सेंट्रल साइनेप्स एंड इन वाइट्रो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. दैट ऑलरेडी डिस्कस इन द lecture of the synapse. Then sensitization response is a strengthen or intensification of the response after repeated stimulation. That is called the sensitization, and sensitization in fact is the presynaptic facilitation of the impulse. So jaise synapse mein bhi sensitization hota tha waise reflex mein bhi is possible, because the in the synapse synapse is a part of the reflex arc. Rebound phenomena, this is the one particular specific property for the reflex only. So the reflex activity can be inhibited for the some time by the some method. However, once the inhibitory effect is over, the reflex activities reappear and become the more powerful. This is kind of the वो दबी हुई spring जो हम छोड़ते हैं तो और भी ज़्यादा उछलती है. तो दिस सेम काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस, दैट इज अ रिबाउंड फिनोमेना. आपको हम ज़्यादा देर तक मतलब डिप्रेस या कंट्रोल में रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ओवरशूट कर जाओ. ओके, सो दैट इज अ रिबाउंड फिनोमेना. दैट इज सेम थिंग इज हैपन इन द रिफ्लेक्स ऑल्सो. ओके, तो जैसे वो इनिबिशन खत्म होगा रिफ्लेक्स एक्टिविटी तो रीअपियर होगी, बट दिस रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज अ मोर पावरफुल देन नॉर्मल और देन प्रीवियस वन. देन फ्रैक्शनेशन, मतलब थोड़ा बहुत इट इज़ लाइक द ऑक्लूजन इन द साइनेप्स. द सेम काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द रिफ्लेक्स, दैट इज अ फ्रैक्शनेशन.
फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन इज मच हायर वेन इट इज स्टिम्युलेटेड डायरेक्टली थ्रू द मोटर नर्व एज कम्पेयर टू द वेन इट इज स्टिम्युलेटेड रिफ्लेक्सली थ्रू द सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व को हमने स्टिम्युलेट किया तो वो फिर सेंटर में जाएगी, फिर मोटर में मोटर को स्टिम्युलेट करेगी, फिर मसल को स्टिम्युलेट करेगी. तो वहाँ से ये सारी चीज़ें होगी, उसमें थोड़ा एनर्जी खत्म हो जाएगी. तो हो सकता है मे बी द सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज अ लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ओके, सो लेस एनर्जी इज रिचिज टू द मसल, सो यू विल गेट द लेस रिस्पॉन्स. बट मान लो कि आपने एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली आपने स्टिम्युलेट कर दिया मोटर नर्व को, ओके, तो ये सेंसरी नर्व वाला वो और सेंटर वाला पार्ट तो नहीं आएगा. मोटर नर्व डायरेक्ट स्टिम्युलेट हो गई तो इट विल डायरेक्टली स्टिम्युलेट द मसल, तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा. एंड सो दैट मीन्स जितना पाथवे कॉम्प्लेक्स होगा इतना एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा. सो दैट इज अ फ्रैक्शनेशन. सो बेसिकली इट इज अ ऑक्लूजन. ए प्लस बी का रिस्पॉन्स इज लेस देन ए एंड बी. तो यहाँ पे मतलब सेंसरी और मोटर हम दोनों को हम स्टिम्युलेट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स कम आ रहा है एज कंपेयर टू द वी स्टिम्युलेट द मोटर ओनली. सो दिस इज द ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ द ऑक्लूजन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स व्हेन द सेंसरी नर्व इज स्टिम्युलेटेड. बिकॉज ऑफ द ऑक्लूजन द नंबर ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स स्टिम्युलेटेड इज अ लेसर. ओके, बट हम डायरेक्टली अगर मोटर नर्व को स्टिम्युलेट करेंगे तो हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फ्रैक्शनेशन. नाउ द 14th one इज द सेंट्रल एक्साइटेटरी और सेंट्रल इनहिबिटरी स्टेट. एग्जाम्पल इज अ मास रिफ्लेक्स इज द सेंट्रल एक्साइटेटरी स्टेट दैट इज सीन इन द रिकवरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजेक्शन. माइल्ड नॉक्सियस स्टिमुलस ऑन द लोअर लिम मे कॉज द विड्रोअल रिफ्लेक्स, विड्रोअल ऑफ द लिम्स. एट द सेम टाइम ऑटोनॉमिक चेंजेस दैट मीन्स चेंज इन द ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन, ये सारी चीज़ एक साथ होगी इन रिस्पॉन्स टू द माइल्ड नॉक्सियस स्टिमुलस. That is called the mass reflex and that is normally present nahi hoga. That is seen only in the recovery of the spinal cord transection and it is under the category of the pathological reflex. Okay, at the same time it is a inhibited. Immediate after the cutting of the spinal cord sari cheeze thap ho jayegi, so that is a central inhibitory. Uske baad jab recovery hone chalu hoga to dheere dheere excitation badhta jayega, so that is a central excitatory state. And that is a, these all are the properties of the reflex. So this is all about the brief introduction, classifications and general properties of the reflex. मैंने पहले भी बोला था, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ, always remember the rule of the 10 in the properties of the receptor, synapse and reflex. All have a more than 10 properties that you have to remember and write if the question is asked. Okay, so there are total 11 properties for the receptor, total 13. ऐसे हमने 11 डिस्कस किए थे, बट EPSP एंड IPSC also include करते हैं, that is electrical property, तो उसको मिला के हम total हो जाएगी 13 for the synapse. So 11 for the receptor, 13 for the synapse and 14 for the reflex. Okay, जो आज हमने की adequate stimulus, delay, one-way conduction, summation, irradiation, final common pathway, facilitation, inhibition, after discharge, fatigue or habituation, sensitization, rebound phenomena, fractionation, central excitatory or inhibitory state. More or less the properties in the reflex is overlapping with the receptor and synapse. So this is all about the today's session about the general aspect of the reflex. In the next session we will discuss about the stretch reflex aur uska counterpart karenge hum inverse stretch reflex, but the main focus hamara rahega on the stretch reflex. Again remember ye sari property aur classification mein se long question aa sakta hai. In same way long question can be asked from the stretch reflex also. Thank you very much. Thank you for listening. So learn from yesterday, life for today, hope for the tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Okay? So always ask the questions. Okay? And one more important thing, I judge the student always by their question and not by their answer. That is my perspective. So more and more question you will ask, I think
you more and more you are reading. Okay, so this is all about the today's session. Thank you again, and see you again in the next time with the stretch reflex. Thank you.